So when we are starting with adjoint of a square matrix, now we first of all, what do we know? अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है? हमने माइनर्स पढ़ रखा है बेटा, राइट? हमने माइनर्स पढ़ रखा है और हमने कोफैक्टर्स पढ़ रखे हैं, ठीक है? These two things are the ones जो हमने अभी तक कर रखे हैं, ठीक है? एडजॉइंट है या फिर इनवर्स है, वो कहीं ना कहीं इस पे ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? चलो जैसे एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर इसको एग्जांपल से समझते हैं। इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखना। द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, राइट? और ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, ठीक है? इट इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। सो ए आई जे एन बाई एन, राइट? कोई भी एन ऑर्डर, इसका ऑर्डर एन है, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, राइट? विच इज वेयर ए आई जे इज द को फैक्टर ऑफ, वेयर इज द को फैक्टर ऑफ ए आई जे, ठीक है? देखो मैं इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ। लेट मी कंसिडर फर्स्ट ऑफ ऑल अ 2x2 डिटर्मिनेंट, राइट, रेदर मैट्रिक्स, और उसके बाद फिर मैं इसको 3x3 के लिए भी आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। लेट से मैंने लिया 2, 3, 4, 5, ठीक है? मैं क्या चाह रहा हूँ? मैं चाहता हूँ कि मैं इसका एडजॉइंट निकालूँ, ठीक है? लेट से दिस इज मैट्रिक्स ए एंड आई एम सपोज टू फाइंड व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मुझे ये करना है, ठीक है? ध्यान से देखना, बहुत इजी है, बहुत आसानी से तुम्हें समझ में आएगा। इसमें क्या करना है बच्चों? आप क्या करोगे, इसके को फैक्टर्स निकालोगे। जैसे अगर मैं C11 करूं, मैं इसके को फैक्टर की बात कर रहा हूँ, राइट, फर्स्ट एलिमेंट का, तो कितना हो रहा है ये? इट इज कमिंग आउट टू बी 5, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं C12 की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 4, राइट? 4, इसमें नेगेटिव साइन लगाऊंगा क्या? हाँ लगाऊंगा। व्हाई? बिकॉज़ द सम इज ऑड, जहां कहीं भी सम ऑड होगा तो साइन वुड चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। सिमिलरली अगर मैं C21 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आने वाला है? 3, अगेन द सम इज ऑड सो आई विल गेट -3। एंड इफ आई टॉक अबाउट C22 देन द C22 इज व्हाट? C22 इज नथिंग बट 2, ठीक है? साइन विल रिमेन सेम एज वी हैव द सम एज इवन, आई और जे का सम इवन है तो साइन विल रिमेन द सेम। अब एडजॉइंट क्या कह रहे हैं? एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। आपने कोफैक्टर्स बनाया, कितना आया? कोफैक्टर्स आपके 5 है, -4 है, -3 है और 2 है। इसका जो ट्रांसपोज होगा इसी को हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए कहेंगे, ठीक है? तो ट्रांसपोज, आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ यू नो द रो एंड द कॉलम्स विल बी इंटरचेंज्ड। यानी मैं फर्स्ट रो को अगर इधर फर्स्ट कॉलम बना दूं और सेकंड रो को अगर मैं सेकंड कॉलम बना दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, ठीक है? ये एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, ये मैंने अभी 2x2 का दिया है। एक क्वेश्चन मैं आपको 3x3 के लिए भी करके बताता हूँ। क्या ये वाली चीज सभी को क्लियर है? लेट मी सी योर हैंड्स इफ दिस इज क्लियर। दिस इज इजी एंड इम्पोर्टेंट चिल्ड्रन, राइट? लेट मी सी योर हैंड्स फास्ट इफ इट इज क्लियर, राइट? बिल्कुल बेसिक से मैं हमेशा शुरू करता हूँ सो दैट नथिंग गोज इन बिटवीन, ठीक है? तो हमने 2x2 से स्टार्ट किया है, अभी चलो 3x3 भी देख लेते हैं। गुड इनफ। अगर किसी को भी डाउट है बेटा, प्लीज डोंट हेजिटेट, आस्क मी नाउ, ठीक है? ऐसे 3x3 का देखो, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ भी ये इजी था। 3x3 देखो और ज्यादा आपको एग्जाम में 3x3 वाले ही मिलेंगे, तो ध्यान से देखिए। अगेन कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं रैंडमली, राइट? लेट्स से वी आर कंसिडरिंग एनी मैट्रिक्स, राइट, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 2, -1, 3, 0, 1, 3, 2, 1 and let's say 2 again, ठीक है? एंड मुझे क्या करना है? मुझे इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए। अल्टीमेटली वी नीड द आंसर हियर, व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ए, राइट? व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ए? सो प्लीज बहुत ध्यान से देखना, धीरे धीरे बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ आप बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे होने लग जाएंगे। क्या करना है? सबसे पहले को फैक्टर्स निकालने, सबके को फैक्टर्स निकालने, ठीक है? तो आप अगर को फैक्टर निकालोगे, सारे एलिमेंट का निकालोगे, एक तो को फैक्टर लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से रख लो ताकि तुम्हें ना कभी भी कंफ्यूजन ना हो, राइट? एक एक करके बिल्कुल लिखने की हैबिट रखो, कोई, बिकॉज यहाँ सिली मिस्टेक्स के चांसेस बहुत होते हैं बच्चों। मैंने कई बार ये बात कही है, राइट, और मैं आगे भी आपको डेफिनेटली बताता रहूंगा कि सिली मिस्टेक के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है? तो एकदम अलग अलग से सेपरेटली आप लिख लीजिए, राइट? आप सेपरेटली जितना बढ़िया से लिखेंगे उतने बढ़िया से आपको स्टेप मार्क्स भी मिलते हैं, ठीक है? C33, ओके। C11 के लिए मैंने देखना, तो किसके लिए देखूंगा? यहाँ से देखूंगा, कितना आ गया? 2 -3, 2 -3 इज -1, सम इसका इवन है तो -1 है तो -1 ही रहेगा। C12 की बात कर रहा हूँ, ठीक है? C12 की बात कर, आपको पता है कि जिस
रो और जिस कॉलम होता है वो छोड़ देते हैं, बाकी सब लेते हैं। तो 0 इंटू 2 दैट इज 0 एंड 3 माइनस के साथ ये कितना आ गया, ये आपका आ गया माइनस 6, राइट, माइनस 6। यहाँ पे सम मेरे पास ऑड है तो माइनस 6 का क्या बन जाएगा, प्लस 6, ठीक है। एक भी स्टेप बेटा अनटच नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इतना डिटेल इसलिए बता रहा हूँ, किसी को भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा देन एंड देयर स्टॉप मी, ठीक है। C13 कहाँ से आएगा, ये 0 माइनस 2, माइनस 2 है और यहाँ पे सम इसका इवन है तो ये माइनस 2 ही रह जाएगा, ठीक है, इट विल रिमेन माइनस 2। ओके, C21 की तरफ बढ़ते हैं। C21 में यहाँ पे बड़ा ये आ गया मेरे पास माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 5। यहाँ पे सम मेरे पास ऑड है तो माइनस 5 का क्या बन जाएगा, प्लस 5 बन जाएगा। C22 यानी कि दिस एलिमेंट के लिए तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 इज माइनस 2, माइनस 2 विल रिमेन माइनस 2, रीजन बीइंग यहाँ पे सम इसका इवन आ रहा है। 2-3 की बात करूं तो ये 2-3 है हमारे पास, ये कितना हो गया 2 और माइनस का माइनस 2 ये बन जाएगा प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 है, इसका सम क्योंकि ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। C31 की बात करते हैं, C31 आपका ये है, दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस 3 एंड माइनस 3 व्हिच इज माइनस 6, राइट, माइनस 6 विल रिमेन माइनस 6, व्हाई, बिकॉज़ i प्लस j इज 4 व्हिच इज इवन। C32 बच्चों दैट इज कमिंग आउट टू बी 6 माइनस 0 दैट विल रिमेन 6 एंड द माइनस साइन वुड कम, व्हाई, बिकॉज़ द सम इज ऑड। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट C33 तो C33 इज व्हाट, यहां पे मुझे मिल गया 2 एंड दिस इज 0 तो ये रह जाएगा 2 एंड इट विल रिमेन 2। अब यहां से जो मेरे पास, अब ये जो मैं अगर बोलूं कि भाई इस मैट्रिक्स का नाम सपोज करो मैं कैपिटल सी देता हूं, राइट, व्हाट इज दैट, दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ये कितना आ गया, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज माइनस 1 6 माइनस 2 5 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 6 एंड प्लस 2। इसका जो ट्रांसपोज होगा ना दैट इज गोइंग टू बी द एडजॉइंट, ठीक है। तो ट्रांसपोज करने में मुझे नहीं लगता आप में से किसी को परेशानी है, सारे रो को वन बाय वन रो को कॉलम बनाते चले जाओ। फर्स्ट रो को मैं कॉलम बनाता हूं, सो इट इज माइनस 1 6 एंड माइनस 2, सेकंड रो को लेके चलता हूं सो इट इज 5 माइनस 2 एंड माइनस 4, थर्ड रो के चलता हूं बेटा दैट इज माइनस 6 माइनस 6 और ये कितना था 2। सो दैट इज योर एडजॉइंट ऑफ अ 3 बाय 3 मैट्रिक्स। इज इट ओके, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं एक एग्जांपल और ले सकता हूं, इफ इट इज ओके जस्ट रेज योर हैंड, If it is okay, raise your hand. 3 by 3 का adjoint जिनको समझ में आ गया, they can raise their hand. Well, good enough. ठीक है, मैं एक question दे रहा हूँ, ठीक है? मुझे जरा orally करके बताओ. Orally अपना pen paper use कर सकते हो, right? I'm giving you two simple questions. Tell me the adjoint. चलो exercise से कर लेते हैं. ठीक है? ये adjoint के ऊपर कुछ questions करना चाहेंगे before we do anything else, right? इस चीज को बिल्कुल हम लोग lightly नहीं लेंगे और ये ध्यान रखना adjoint पे ही inverse based होता है, ठीक है? जो inverse भी होता है वो कहीं ना कहीं आपके adjoint पे based होता है। जब कोई भी आपने देखना है कि inverse कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? Inverse of any matrix is what? It is 1 by determinant of A into adjoint of A. तो जो तुमने adjoint निकालने का तरीका किया, जो adjoint निकाला था वही adjoint और उसको डिवाइड कर दोगे उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से, तो इनवर्स की डेफिनेशन भी वहीं से निकल के आती है, इसलिए भी एडजॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो देखो, आओ इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन वाला मुझे करके बताओ, टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर फर्स्ट थर्ड पार्ट एंड टेल मी सेकेंड थर्ड पार्ट, ठीक है? फटाफट से जरा इन दोनों क्वेश्चंस को आप ट्राई करो, राइट, मैं दो मिनट के लिए आई कीप माई सेल्फ क्वाइट एंड आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्सेज, ठीक है? इसका भी आंसर आता है दे कैन रेज देयर हैंड, कर देता हूँ, आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। जिनको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं दे कैन प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 4, राइट, विदाउट वेस्टिंग टाइम दे कैन प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 4। मैं फिलहाल दोनों क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, राइट, बिकॉज आई एम श्योर आप में से कुछ लोग होंगे जिनको थोड़ी परेशानी आ रही होगी, तो ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट का थर्ड पार्ट, राइट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, सबसे पहले क्या करना है, कोफैक्टर्स बनाने, राइट, कोफैक्टर्स बनाने, मैंने बिल्कुल तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जाने को कहा, राइट, गो स्टेप बाय स्टेप, कोई भी स्टेप को स्किप करने की जरूरत नहीं है, राइट, आपकी कैलकुलेशन कितनी भी अच्छी है डोंट स्किप द स्टेप्स, क्यों, फिर अननेसेसरली कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं,
तो यहाँ मैंने देखा ये कितना हो गया, ये मुझे मिल गया cos अल्फा, द साइन वुड रिमेन सेम। C12 की बात करूंगा, ये हो जाएगा sin अल्फा विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। C21 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितना मुझे मिलेगा, sin अल्फा अगेन विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। और C22 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितना मिल जाएगा मुझे, cos अल्फा, यानी इसका जो ट्रांसपोज होगा दैट इज गोइंग टू बी द एडजॉइंट, दैट मींस द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। मैं इसका स्ट्रेट अवे ट्रांसपोज लिख रहा हूँ, हालांकि ये तुम अगर देखो तो ये मुझे सिमेट्रिक दिख रहा है, तो अगर सिमेट्रिक दिख रहा है तो इसका ट्रांसपोज भी यही सेम चीज ही ऑब्टेन होगी। सो आई होप आपका आंसर यही आया होगा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, एंड दिस इज माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, इवन व्हेन यू डू द ट्रांसपोज यू गेट द सेम थिंग, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट शुड हैव बीन डन, एंड आई होप ऑल ऑफ योर आंसर मैचेस। आई कम टू द सेकंड थर्ड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, राइट। अगर मेरा सॉल्यूशन किसी को नहीं समझ में आया, दे कैन यूज देयर माइक और द चैट बॉक्स टू आस्क, राइट, प्लीज डोंट हेजिटेट, ओके, आस्क मी देन एंड देयर। सही, नेगेटिव पॉजिटिव समझ नहीं आ रहा, नेगेटिव पॉजिटिव समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, कोफैक्टर वाला तुमने क्लास करा था बेटा? यस सर। राइट, मैंने उसमें ये बताया था कि आप जो है -1 रेज टू द पावर आई प्लस जे और जो भी उसका माइनर है उससे करते हैं, ठीक है, एम आई जे, ठीक है। तो माइनर तो कोई टेंशन ही नहीं है, cos अल्फा हो गया। अब ये i प्लस j, जब ये तुम्हारा इवन होगा तो माइनस वन की पावर इवन वो एज इट इज रह जाएगी, और जब ये ऑड होगा तो माइनस वन की पावर ऑड माइनस वन हो जाएगा, यानी जो भी साइन था उसका उल्टा हो जाएगा। साइन अगर प्लस था तो माइनस हो गया, और प्लस था तो माइनस, मतलब माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, समझ रहे हो कि नहीं। तो जहां भी ये तुम्हारी पोजिशन ऑड है, जहां भी इसका सम ऑड आएगा वहां पे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हमने वहां डिस्कस की थी, शायद आपके माइंड से स्लिप हो गई होगी, राइट। इसको ध्यान रखना, राइट। आई विल मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट, राइट। मैं इसलिए एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज आई नो आप में से कुछ बच्चे हेजिटेट भी करते हैं डाउट पूछने में, है ना। प्लीज डोंट हेजिटेट चिल्ड्रेन, राइट। ऑल ऑफ अस आर हियर टू लर्न, राइट। आई एम श्योर अभी कुछ बच्चों का ना ये वाला भी हो गया होगा, तो चलो भाई तुम थर्ड क्वेश्चन करो, डोंट वेस्ट टाइम, डू द थर्ड पार्ट। चलो सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट मैं इन डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टास्क क्या है, मैंने आपको बताया को फैक्टर्स निकालो, अलग अलग से निकालो, बिल्कुल रिलैक्स होकर, कोई टेंशन नहीं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसकी वेटेज अच्छी खासी होती है बेटा, राइट। बिल्कुल भी आप ये मत सोचो कि अरे इतना लंबा हो रहा है, अरे लंबा हो रहा है तो लंबे मार्क्स भी मिलते हैं इसके, ठीक है। C21, C22, C23, 3x3 है, मैं सबसे पहले तो ये स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, C31, C32, C33, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा चांसेस ऑफ मिस्टेक रिड्यूस हो जाते हैं, जहां भी सम ऑड आएगा वहां पे मैं उसका साइन इनवर्स कर दूंगा, और जहां पे भी सम मेरे पास इवन है वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो भी आएगा उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, करना शुरू करते हैं, लेट अस सी। मैंने इसके लिए देखा ये कितना आ गया, -2 एंड -20, ये मेरे पास आ रहा है -22, क्योंकि यहाँ पे सम इसका इवन है तो मैं -22 रहने दे रहा हूँ। C12 की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने देखा ये आ रहा है -4, राइट, ये -4 है, अब इसका सम माइनस है, ये सम इसका ऑड है तो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस, यानी कि ये +4 हो जाएगा। C13 की बात करेंगे, ये कितना हो गया, दिस कमिंग आउट टू बी 16, दिस विल रिमेन 16 एज द सम इज इवन, ठीक है, ओके। कमिंग टू C21, यानी दिस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो ये वाला रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाता है, आई होप ये सब बातें आपको ध्यान होंगी, ठीक है। तो ये हो गया 1 में से मेरे पास 12 गया, तो -11, -11 का मेरे पास बन जाएगा +11, रीजन बीइंग 2+1 इज ऑड, ठीक है, 2+1 इज ऑड, ऑलराइट। जब मैं C22 पे जाऊंगा तो दिस एलिमेंट के लिए है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 -1 -1 -2, और ये चीज हो गई 0, तो -2 है, -2 ही रह जाएगा। C23 के लिए अगर मैं बात करूं, C23, राइट, यानी कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम विल बी गॉन, सो बचा क्या मेरे पास, दिस इज 8 and 8 minus 0, it will remain 8, but यहाँ पे मेरे पास ये sum odd है, तो ये इसका sign change हो जाएगा, क्या बन जाएगा, -8। C31 की अगर मैं बात करूँ, तो 31 है, तो अभी इस element के लिए बात करेंगे, तो इस element के लिए क्या होगा, ये वाली चीज बच जाएगी, ये कितना हो गया, -5 -6 which is -11, -11 will remain -11, reason being the sum is even। C32, जब मैं 32 की बात कर रहा हूँ, तो third row और second column cancel कर देना है, बचा क्या, 2 5s are 10, -12, यानी कि -2, -2 है और यहाँ पे सम ऑड है, तो माइनस का 2 क्या बन जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। C33, राइट, सो दिस विल कम इनटू रो,
What is that? It is 4 minus ka minus 4 is plus 4. So 4 plus 4, 8. 8, it will remain 8. ठीक है, जब मुझे इसका एडजॉइन निकालना है तो मैं सिंपली जो मेरे पास अब जो आया इसका मैं क्या करूंगा, इसका ट्रांसपोज कर दूंगा, आई विल गेट द आंसर. सो एडजॉइन, लेट्स से इफ दिस इज मैट्रिक्स ए, इफ दिस इज मैट्रिक्स ए, हालांकि इन्होंने ऐसा कोई नाम नहीं दिया है, राइट, इफ दिस इज मैट्रिक्स ए देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, यू राइट द आंसर्स. यहां फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दो, -22, -11, -11. ठीक है, फर्स्ट कॉलम को मैंने फर्स्ट रो में कन्वर्ट किया, सेकंड कॉलम उठाया, ये कितना है 4 -2 +2, ये कितना है बच्चों, दिस 16 -8 and +8. सो दैट इज हाउ यू कुड हैव डन दिस. आई होप योर आंसर इज मैचिंग. इज इट ओके एवरीवन, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट थी. इसके बाद मैं इस प्रॉपर्टी पे आऊंगा. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, राइट. मुझे कोई जल्दी नहीं है, बेसिक्स पढ़ते हुए मैं कभी भी पढ़ते हुए मैं कभी जल्दी में नहीं होता हूँ, बिकॉज उसकी क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है. लेट मी सी योर हैंड्स इफ इट इज ओके एवरीवन. आई नो सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी सॉल्व, बट यस आई वॉन्ट टू सी एवरी सिंगल हैंड. यहाँ सभी को समझ में आ गया है? सलमान समझ में आ गया? यस सर. गुड, शाबाश, चलो फाइन. तो अब इस तरीके से अब आप यहाँ से एडजॉइंट वगैरह में तो कंफर्टेबल हो चुके होंगे, राइट. अब इसको भी आपने अभी सीखना है, राइट. अगर मैंने कभी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा, उसका एडजॉइंट निकाल दूंगा और उसके डिटर्मिनेंट से उसको डिवाइड कर दूंगा. अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक चीज और भी याद करो, मैंने तुम्हें बताई थी, कभी भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट. सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. तो अगर कभी भी कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बात हमें यहाँ से समझ में भी आनी चाहिए, राइट. किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बात हमें यहाँ से समझ में आनी चाहिए, ठीक है. चलिए, फिलहाल एक प्रॉपर्टी और हमें यहाँ पे सीखना है, उसकी तरफ मैं मूव करूंगा, राइट. दिस वॉज द प्रॉपर्टी, यस. अब ये देखो, अगर तुम्हारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट, ऑफ ऑर्डर n, आपने क्या किया, उस मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ध्यान से समझना. उस मैट्रिक्स को आपने उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया, या फिर आपने उसके एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, यानी क्या, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, भाई जो एडजॉइंट है वो भी तो एक मैट्रिक्स ही है ना, लेट्स कॉल इट बी. तो ए इंटू बी या फिर b into a, यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, b cross a, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है. ये जो दोनों चीजें होती है ना, ये किसके बराबर होती हैं, ये होती है डिटरमिनेंट ऑफ a into what, into आइडेंटिटी मैट्रिक्स. लेट्स से द ऑर्डर इज 3, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 1 0 0 0 1 1. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ध्यान होना चाहिए ना, सिर्फ जो डायगनल पे जो है. हाँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा, राइट. इस पर भी क्वेश्चंस भी कर लेंगे, राइट. मैं, मेरी आदत है कोई भी प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज मुझे मालूम है वो आपको समझ में तभी आता है जब आप क्वेश्चंस करते हो, ठीक है. तो एक बार अभी इस पर क्वेश्चंस भी कर लेंगे, आप ध्यान से देखिए. मैंने सबसे पहले ये बताया कि कभी भी अगर आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट है ए और आपने उसका एडजॉइंट निकाल लिया, एडजॉइंट निकालना हम लोग सीख चुके हैं ना, वी नो हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ एनी डिटर्मिनेंट एनी मैट्रिक्स. तो मैंने जो एडजॉइंट निकाला उस मैट्रिक्स का नाम मैंने बी रख दिया, ठीक है. तो मैं ये कह रहा हूँ, बल्कि प्रॉपर्टी ये कह रही है कि ए इंटू बी या फिर b into a, where b is what, b is the adjoint of a, ठीक है. अगर आप ऐसा कभी भी करेंगे तो this thing is always equal to a matrix, what, determinant of a into i, what is i, i is a identity matrix. Identity matrix क्या होता था, जिसमें आपके पास सारे के सारे एलिमेंट जो डायगनल वाले होते थे वो क्या होते थे, वन होते थे, बाकी सारे जीरो होते थे, ठीक है. आइए इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, राइट. टू अंडरस्टैंड दिस, लेट मी सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, राइट. यहाँ पे इसी क्वेश्चन में जो हमने अभी करा था, इसमें हमें ये प्रूव भी करना था, राइट. वी आर सपोज टू प्रूव दिस, राइट. अगर आप ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, वेरीफाई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई और ए इंटू आई, ठीक है, ए इंटू बी. तो कोई बात नहीं, मैं अगेन, आइए इस क्वेश्चन को करने के लिए, मैं इसको एडजॉइंट ऑफ ए को मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तो इसी के लिए कैलकुलेट करते हैं, राइट. लेट अस कैलकुलेट दिस. मैं इसको यहाँ से कॉपी करके किसी बेटर जगह पे ले जाना चाहता हूँ.
लेट्स से दिस इज योर ए, ठीक है, इसको भी ले चलो, ये रहा तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए, और ए क्या है वो तो ऑलरेडी हमें मालूम है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन बस मैं इरेज कर रहा हूँ जस्ट टू वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ बिफोर आई वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी लेट्स सी मुझे क्या चाहिए, मुझे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, ठीक है, मुझे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, ठीक है। इसका वाइस वर्सा आप अपने होमवर्क में ट्राई करना, मैं एक ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए आप कर लेना, ठीक है। तो ए मैं लिख रहा हूँ डिटर्मिनेंट, ए जो मैट्रिक्स है मैं वो लिख रहा हूँ, ए इज व्हाट, ए इज 2 -1 3 4 2 5 0 4 एंड दिस वाज -1, दिस इज -1, ठीक है। और जो इसका एडजॉइंट मैंने निकाला है वो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, दिस इज -22 11 -11 4 16 -2 -8 2 and 8। नाउ दो मैट्रिक्स को जब मैंने मल्टीप्लाई करना होता है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू रिमेम्बर कि हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से रिस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो आइए ऐसा करते हैं बेटा, देखते हैं क्या हो रहा है। 2 into this is coming out to be -44. -1 into 4, that is coming out to be -4 again. And 3 into this thing, right? This is coming out to be what? This is coming out to be 48. Now, यहाँ तो ये वाली चीज जीरो मिल गई बेटा, ये वाली चीज हमें जीरो मिल गई। अब जैसे ही मुझे ये वाली चीज जीरो मिलती है ना, तो मुझे ये बात समझ में आती है कि इसमें सारी चीजें शायद हमें जीरो ही मिलने वाली है। आप चाहो तो चेक भी कर लो, राइट। ये मुझे अभी क्या मिला, ये मुझे अभी फर्स्ट एलिमेंट मिला है, दिस व्हाट, दिस A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब एक एलिमेंट और देखते हैं, यहाँ ये A22 भी कैलकुलेट करके देखते हैं, लेट अस कैलकुलेट दिस। A22 जब मैं करूंगा तो अभी कैसे मिलेगा मुझे, फर्स्ट रो यहाँ से और सेकेंड कॉलम यहाँ से। सो दिस इज व्हाट, 2 × 11 दैट इज 22, ये कितना हो गया, -1 × -2 ये कितना हो जाएगा, +2, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 × -8 ये कितना होता है, -24। ध्यान से देखो, ये भी जीरो हो रहा है, ठीक है। मैंने इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल दिया कि सारी चीजें जीरो होंगी, बिकॉज मैंने इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखा कि क्योंकि ये जो अल्टीमेटली देखो, अगर इसका डिटर्मिनेंट कुछ भी आता ना, लेट्स से अब जो तुम इसका डिटर्मिनेंट देखोगे ना, तुम्हें डिटर्मिनेंट भी जीरो ही मिलना चाहिए। इसका डिटर्मिनेंट, अगर इफ यू चेक द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, इट शुड कम आउट टू बी जीरो, ठीक है। ये हम लोग बहुत इजीली अभी वेरीफाई भी कर लेते हैं, राइट। इतना कॉन्फिडेंटली मैं क्यों बोल रहा था, बिकॉज ये वाली चीज जैसी जीरो आ गई तो समझने की बात है कि बाकी चीजें तो जीरो होती हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, बाकी सारे टर्म तो जीरो होते ही हैं, राइट। सिर्फ जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट होता है वही तो होता है नॉन जीरो, राइट। और यहाँ पे भी मुझे क्या मिलने वाला था, यहाँ पे मुझे मिलने वाला था वट एवर इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट क्योंकि फर्स्ट टर्म मुझे जीरो मिल गया तो पॉइंट ऑफ व्यू डिटर्मिनेंट कितना होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। और इस बात को वेरीफाई भी कर लेते हैं इन केस देयर इज एनी कंफ्यूजन, तो मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके लिए वेरीफाई भी करता हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, यहीं पे कर देता हूं, तो मैं इसको अलोंग कॉलम वन एक्सपेंड कर रहा हूं, अलोंग कॉलम वन, ये कितना हो गया, 2 × दिस इज -2 -20, सो दैट इज -22। 4 के अलोंग किया तो ये -4 आएगा, -4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में कितना आने वाला है, 1 1 -3, राइट, 1 -12, 1 - 12 इज व्हाट, 1 - 12 इज कमिंग आउट टू बी +11, राइट, बल्कि -11 हो जाएगा, राइट, -12 भी तो -11 हो जाएगा। ये कितना हो गया बेटा आपके पास, ये आ गया आपके पास -44, और ये कितना आ गया, +44, सो डेफिनेटली इट इज कमिंग आउट टू बी 0। आई होप यू अंडरस्टैंड द थर्ड एलिमेंट इज 0, तो इसलिए मैंने वो चेक भी नहीं किया, डिटरमिनेंट भी 0 हो रहा है। सो आई होप इस प्रॉपर्टी को अब आप आगे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आज की क्लास में यहाँ पे रोक रहा हूँ, ठीक है। अब आप 7.1 एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो, प्रोवाइडेड तुमने पहले एक्सरसाइज 6 के स्पेशली 6.2 के क्वेश्चंस ठीक से कर रखे हैं, ठीक है। मैं एक स्पेशल क्लास हो सकता है कल या परसों में अनाउंस करूंगा, जिसमें मैं सिर्फ कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 6.2 के हैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ। सम ऑफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम देयर, सो वो क्लास स्पेशली उसी टॉपिक के लिए मैं रख रहा हूँ, ठीक है। In case anyone has any specific question that should be discussed from that particular topic, what is the topic? जो मैं अलग से लेना चाह रहा हूँ, that is properties of determinant without expansion, जो हम लोग question solve करते हैं, जैसे आज एक दो question अद्विता ने दिया था, सलमान का था, अक्षित का था, वो सारे question कहीं ना कहीं उसी concept से थे, ठीक है। और वो ऐसी चीज है जिसको थोड़ी ज्यादा practice करनी पड़ती है। So I'm sure you are practicing at your end, but I want to help you more
इसलिए मैं उस पर एक अलग से क्लास रखना चाह रहा हूँ. सैटरडे वॉज योर ऑफ फॉर दिस वीक बिकॉज संडे को आपकी एक मास्टर क्लास है लॉग पे, राइट, लॉग रिदम पे एक मास्टर क्लास है. ठीक है, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन बाहर से हुए हैं, आगरा से, बिजनौर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे, उसके लिए बिकॉज फ्री वर्कशॉप थी तो बहुत सारे बच्चों ने उसके लिए रजिस्टर किया है. तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि वो क्लास 11 बजे शुरू है, तो मैं 10:50 पे मैं लॉग इन कर दूंगा, तुम सब लोग आ जाना, है ना. 10:50 पे संडे वाली क्लास के लिए लॉग इन मैं कर दूंगा, तुम आ जाना. ठीक है, कल मैं एक क्लास अनाउंस करूंगा, वो किस पे होगी, एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन के ऊपर एक अलग से क्लास होगी. ठीक है, बिकॉज उस पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ी और डिस्कशन मिल जाए तो अच्छा रहेगा. हमारी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाए वहां, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ कि हम